नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अंक में। आज हम चर्चा करेंगे झारखंड में हो रहे राजनीतिक उथल पुथल के बारे में। एक बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है कि आपके घरों में अगर कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। जाहिर सी बात है कि कूड़ा अगर फेंकने लायक है तो आप उसको फेंक देंगे, और नहीं तो उसको आप कबाड़ वाले को बेच देंगे। ऐसा ही होता है कि लोग कूड़ा फेंकते हैं और कुछ लोग जो है कूड़ा बटोरते हैं। तो यही हाल जो है बीजेपी के साथ हो रहा है। बीजेपी जो है कूड़ा बटोरने वाली पार्टी हो गई है। अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ, इस विश्लेषण में आपको पूरा पता चल जाएगा। लोकसभा का चुनाव बीता है। अभी लोकसभा चुनाव में 110 बाहरी कैंडिडेट को मौका देने का खामियाजा भुगतने के बाद भी अगर बीजेपी की आंख नहीं खुल रही है तो बीजेपी अपने विनाश की स्वयं जिम्मेवार है, न कि कोई और। आपने देखा होगा कि बिहार जैसे राज्य जहां उनके पास अपार संभावनाएं थी, बीजेपी के पास बिहार में संभावनाएं थी कि वो अपने किसी नेता को आगे करके और उसके बल पे चुनाव लड़ती, पार्टी अकेले चुनाव लड़ती तो बहुत संभव था कि बीजेपी अपने बूते सरकार बना लेती। लेकिन बीजेपी नीतीश की पिछलग्गू बन के जी रही थी और अभी भी नीतीश के पिछलग्गू बन के जीने की प्रबल आशंका है और उनकी मजबूरी भी है। अभी झारखंड में भाजपा को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के दम पर आगे बढ़ना चाहिए था। अगर आप चंपई सोरेन को साथ लेते हैं तो उनकी क्या हैसियत होगी पार्टी में। अगर आप उनको लेते हैं तो फिर आपके पुराने नेता जो हैं, पुराने कार्यकर्ता जो हैं, जो चुनाव में टिकट पाने की आशंका पाले हुए हैं, या वो जिस क्षेत्र से खड़े होंगे उस क्षेत्र के जो नेता हैं, उस क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें कितनी निराशा होगी। चंपई सोरेन के साथ जो लोग आएंगे आप उनको कहाँ फिट करेंगे। आपके पुराने नेता, आपके पुराने साथी, उनको आप कहाँ फिट करेंगे। जो लोग आपकी पार्टी में सेवा कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। अपनी पार्टी में सेवा करने वाले लोग जो हैं कई बार मजबूरी में आपका साथ छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि ये पार्टी के लिए, संगठन के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी पार्टी के लिए। इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि झारखंड के रामगढ़ के उपचुनाव जो होता है, झारखंड के रामगढ़ में विधानसभा का उपचुनाव होता है। उपचुनाव इसलिए होता है कि रामगढ़ की जो विधायिका थी ममता देवी, उनको एक केस में सजा हो जाता है और सजा के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता जो है वो निरस्त हो जाती है, उनको जेल जाना पड़ता है, फिर वहाँ पर उपचुनाव होता है। बीजेपी के कार्यकर्ता धनंजय कुमार पुटोस जो हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उम्मीद लगाए थे कि हमको यहाँ से रामगढ़ से टिकट मिल जाए, उनको टिकट नहीं मिलती है और मजबूरन उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता है। तो आप ऐसे ऐसे जो आपके कर्मठ जो उम्मीदवार हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आपके लिए दिन रात एक करते हैं, वैसे लोग उनके ऊपर जो है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अभी जो खबरें आ रही हैं झारखंड के विभिन्न जिलों से बीजेपी में जो है असंतोष की खबरें आ रही हैं। अगर बीजेपी का जो नेतृत्व है राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे, अगर इन मतभेदों को आपस में सुलझा नहीं लिया जाता है चुनाव से पहले, तो समझ लीजिए कि ये विधानसभा में आपके लिए अच्छे संकेत नहीं होने वाले हैं। अगर चुनाव से पहले आपने इसको ठीक नहीं किया तो आपको 5 वर्षों का सत्ता का वनवास पुनः झेलना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप अपने नीतियों को, आप अपने पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर जो मतभेद हैं उसको आप चुनाव से पहले नहीं सुलझा लेते हैं तो पुनः आपको 5 वर्षों का सत्ता का संन्यास झेलना पड़ेगा झारखंड से। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप कूड़े को फेंक देते हैं, लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है जो कूड़े को इस प्रकार से लपकती है जैसे क्रिकेट का प्लेयर कैच को लपकता है, और बीजेपी के जो आईटी सेल के लोग हैं और इसको मास्टर स्ट्रोक बताने पे तुले रहते हैं कि हाँ ये पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है।
हालांकि ज़मीन पे ये चीज़ें होती नहीं हैं। बात करें चंपई सोरेन की, तो चंपई सोरेन भी बिहार के जीतन राम मांझी की तरह एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर थे। एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर इसलिए कि परिस्थितियां वैसी बनती हैं जिसमें जीतन राम मांझी को भी परिस्थितियों ने मुख्यमंत्री बना दिया और परिस्थितियों ने ही चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। चंपई सोरेन भी जीतन राम मांझी की तरह ही दुर्घटनावश जो है ये मुख्यमंत्री बने थे। इन लोगों का जनाधार कितना है यह देखना जरूरी है। जनाधार के बदले ये ना देखें कि इनके नाम के पीछे मांझी लगा है कि इनके नाम के पीछे सोरेन लगा है, क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन हो जाते हैं तो आपके आसपास का जो औरा है, आपके आसपास का जो नौकरशाही है, जो अधिकारी हैं, आपको तरजीह देते हैं, आपको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं, तो आपको लगता है कि मैं ये डिजर्व करता हूँ या मैं इसके लायक हूँ या मैं इसके काबिल हूँ। लेकिन कोई भी नौकरशाह जो होता है वो व्यक्ति विशेष को तरजीह नहीं देता है, वो कुर्सी को देता है। उस कुर्सी पे कोई भी व्यक्ति बैठा रहेगा तो उसको उतनी सुविधाएं, वो तरजीह, वो रिस्पेक्ट, वो मान सम्मान मिलेगा। और अगर व्यक्ति ये समझ ले कि ये मुझे मिल रहा है तो उसको आगे आने वाले दिनों में परेशानी का, कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि जीतन राम मांझी के साथ हुआ। ये लोग वो किराएदार थे जो खुद को मकान मालिक समझने की भूल कर बैठे। बाद में मकान मालिक ने अपना कमरा खाली करा लिया और इनको घर से बेदखल होना पड़ा। अब ये चीज़ें चंपई सोरेन को खटक रही हैं। चंपई सोरेन कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है अच्छा बर्ताव नहीं किया गया, हमारा अपमान किया गया है। ये तो विदित था कि चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कुर्सी पर बैठाया गया। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। वो क्यों सौंपी गई? क्योंकि वो उनके पिताजी के भी करीबी और इनके भी करीबी थे, पार्टी के पुराने नेता थे। इन पे भरोसा करके पार्टी ने और हेमंत सोरेन ने इनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जब वो जेल से वापस आए तो फिर उन्होंने अपनी कुर्सी संभाल ली। अब चंपई सोरेन ने लिखा है कि हमारे पास तीन विकल्प हैं, या तो हम संन्यास ले लें, या तो हम अपनी पार्टी बनाएं, या किसी और पार्टी के साथ आगे बढ़े। तो हम यहाँ ये कहने जाएंगे कि चचा आप काशी में जाइए और वहाँ जाके संन्यास ले लीजिए, राम राम जपिए, क्योंकि अब जो है हेमंत सोरेन या झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतर आपका कोई भविष्य नहीं दिख रहा है झारखंड में। क्योंकि हेमंत सोरेन जब जेल गए और जेल से बाहर आए तो उन्होंने वहाँ की जनता के मन में यह बात डाल दी, वहाँ के जनता को यह समझाने में सफल हुए कि हमारे साथ जो है बीजेपी ने घात किया है, हमारे साथ बीजेपी ने जो है साजिश किया है और साजिश के तहत हमको जेल में डाला गया है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आदिवासियों को समझाने में हेमंत सोरेन जो हैं सफल हो गए हैं और जेल से आने के बाद उनका कद जो है और भी बढ़ गया है झारखंड में। घोटाले में नाम आने के बाद भी, जेल जाने के बाद भी वो अपने लोगों को ये समझा लेते हैं कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं आदिवासियों का सच्चा हितैषी हूँ और आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ता हूँ, उनकी बात को रखता हूँ और आदिवासियों की लड़ाई के लड़ने के का जो नतीजा है और उसके चलते हमको जो है जेल में डाला गया और लोग उनकी बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। वो ये भी समझाने में सफल हो पा रहे हैं कि हमारे साथ जो है केंद्र सरकार जो है बीजेपी जो है अत्याचार कर रही है। अब यहाँ बात आती है परिवारवादी पार्टियों की, जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो गई, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो गई, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा हो गई, बिहार में राजद हो गई, ऐसी पार्टियां जो हैं वो परिवारवादी पार्टियां हैं। तो ऐसे में अगर कोई नेता अपने आप को बहुत बड़ा बनना चाहे तो उसका भविष्य जो है वो उज्जवल नहीं है, उसको उस नेता के नीचे ही काम करना पड़ेगा, ये चीज़ उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर वो ये चीज़ को स्वीकार करके कार्य करता है तभी वो उस पार्टी में सर्वाइव कर पाएगा। अब यहाँ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि परिवारवाद
की जो राजनीति है, परिवारवादी जो पार्टियां हैं, इसमें आप देखिए, हालांकि आम आदमी पार्टी जो है वो परिवारवादी नहीं है। आम आदमी पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं और जेल जाने के बाद भी उन्होंने सीएम का पद जो है नहीं छोड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि मैं अगर किसी को सीएम की कुर्सी पर बैठा कर जाता हूँ तो फिर लौटने के बाद बहुत संभव है कि वो कुर्सी मुझे न मिले। परिवारवादी पार्टियों के साथ भी यही खतरा होता है कि वो अपनी विरासत जो है किसी और को सौंपने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं पार्टी सत्ता हमारे हाथ से निकल नहीं जाए। उनको एक डर रहता है कि परिवारवादी जो पार्टी के नेता होते हैं कि अगर हमने अपनी विरासत किसी और को देखने के लिए, उसकी देख रेख करने के लिए कुछ समय के लिए अगर हम सौंपते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टी, वो संगठन, वो सत्ता फिर उन्हें वापस मिले। इसलिए परिवारवादी पार्टियों का एक भय जायज भी लगता है। और यहाँ चंपई सोरेन ने जो किया तो ये परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली ही बात है। अगर हेमंत सोरेन जैसे जेल गए तो वो अपने पत्नी को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने ही पार्टी के एक नेता को, चंपई सोरेन को, कुर्सी पर बैठाया और जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने उस कुर्सी की मांग रखी और उस कुर्सी पर काबिज हुए। ये चीज़ चंपई सोरेन को नागवार गुजरी कि हमको कैसे आपने मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा दिया। हालांकि चुनाव नज़दीक है, अब ऐसे समय में उन्होंने चंपई सोरेन को हटाकर खुद कुर्सी ले ली तो इसका नफा नुकसान क्या होगा, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन चंपई सोरेन को ये समझना चाहिए था कि उनको किन परिस्थितियों में उस जगह पर बैठाया गया था। अब चंपई सोरेन उस कुर्सी पे अपना हक समझने लगे तो ये उनके विवेक पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता जो हैं उनको विभीषण तक की संज्ञा दे दे रहे हैं। कई टीवी चैनल में उन्होंने इंटरव्यू में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि चंपई सोरेन को जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया है और उसके बाद जो सब चीज़ें वो कर रहे हैं तो वो विभीषण का काम है और विभीषण की संज्ञा उनको दे रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा कि मंत्री बन्ना गुप्ता जो हैं A+B द होल स्क्वायर वो समझाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कई सारे चैनलों पे उन्होंने सेम जो है अपना बात रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे स्क्रिप्टेड जो है पढ़ के और उसको भाषण जो है उसको पढ़ के और हर जगह बता रहे हैं। खैर ये अलग की बात है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या BJP चंपई सोरेन को, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक चंपई सोरेन BJP में शामिल नहीं हुए हैं, और अगर हमारे पब्लिश करने के बाद वो चंपई सोरेन जो हैं BJP में शामिल हो जाते हैं तब की कहानी कुछ और रहेगी। लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं बता दूँ कि अभी तक चंपई सोरेन ने BJP ज्वाइन नहीं किया है। अगर चंपई सोरेन BJP में शामिल होते हैं तो इससे BJP को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, BJP को जो है सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। शायद यही कारण है कि अभी तक चंपई सोरेन में और BJP में डील नहीं हो पाई है, जिसके कारण अभी तक चंपई सोरेन जो हैं BJP में शामिल नहीं हो पाए हैं। अब देखना ये है कि BJP का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि आने वाले चुनाव में BJP कोई रिस्क लेना चाहेगी या नहीं लेना चाहेगी, क्या वो अपने समर्थकों को, अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को नाराज करना चाहेगी या पुराने कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलना चाहेगी, अब ये आने वाला समय ही बताएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।